अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं आपका होस्ट अदनान शब्बीर और आज हम डिस्कस करेंगे डॉल्चे मॉल को। मल्टीपल वीडियोस आप इससे पहले भी देख चुके हैं, मेरी भी वीडियो आपके सामने इस टाइम पर मौजूद है। डॉल्चे मॉल एक्चुअली बहरिया टाउन कराची में बनने वाला अपनी नोयत का एक मुनफरद प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 18,000 स्क्वेयर यार्ड का ये प्लॉट है, जिसमें आपको डबल बेसमेंट दी गई है। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बहरिया टाउन के अंदर बनने वाले डॉल्चे मॉल की ऑन साइट विज़िट करवाना और उसकी कुछ ड्राउन फुटेज दिखाना और किस हद तक वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है तेज़ी से चल रहा है। आज से तकरीबन एक साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ डॉल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी के नाम से, जिसमें 25% डाउन पेमेंट के साथ लोगों ने बहुत स्पीडली बुकिंग करवाई और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन दो दफ़ा जो है इनके रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो चुके हैं। आज हम ऑन साइट अगर विज़िट करके देखते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ दिखाई देता है। पाइलिंग वर्क इसका अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है, डिगिंग वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी मैं थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता चलूँ तो इसमें आपको डबल बेसमेंट दी गई है, सेंट्रली एयर कंडीशन ये प्रोजेक्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको पार्किंग दी गई है। इसी के सराउंडिंग में जो बनने वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि AQ बाज़ार है या AQ सुपर मार्केट है, तो उन दोनों के अंदर जो आपको पार्किंग है उसके चार्जेस पे करना पड़ते हैं। सेकंडली वो प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन डॉल्चे मॉल सेंट्रली एयर कंडीशन है और इसके अंदर आपको पार्किंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तकरीबन 900 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो डबल बेसमेंट के साथ आपको दी जा रही है। इसी तरह इसका लोअर ग्राउंड है, जिसको हम बेसमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी की शॉप्स दी गई हैं। इसी तरह अपर ग्राउंड है, जिसमें आपको दो कैटेगरीज हैं, आउटर और इनर की शॉप्स दी गई हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट दिया गया है। बेसिकली डॉल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी इस टाइम का बहरिया टाउन कराची के अंदर लॉन्च होने वाला सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स ने आना होता है, बड़े बड़े जो किसी भी किस्म के ब्रांड्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में हमेशा बड़े मॉल्स में आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले डोमिनियन दी ग्रैंड भी एक प्रोजेक्ट बहरिया टाउन मैनेजमेंट में जो था वो रहा है डोमिनियन की तरफ से। इसी तरह डॉल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है इस टाइम पर, क्योंकि ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है स्टार्ट, जिसमें 4 साल पेमेंट प्लान है। अभी तकरीबन दो दफ़ा इसके प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज़ हो चुकी हैं। इस टाइम पर ग्राउंड का रेट जो प्री लॉन्चिंग पे था वो अप्रॉक्सीमेटली 37,500 रुपये और 39,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, लेकिन आज उनके ग्राउंड फ्लोर का जो ऑफिशियल रेट है वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको शॉप्स मिल रही हैं। तो अभी आपको पता है कि वो ज़मीन से बाहर प्रोजेक्ट नहीं आया, डिगिंग का काम हो रहा है, पाइलिंग हो चुकी है। तो जब ये प्रोजेक्ट ज़मीन से बाहर निकलेगा तब इसकी प्राइसेस जो हैं वो कितना ज़्यादा ऊपर जाएंगी, ये इंशाल्लाह आप बजाते ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद दो चीज़ें डिस्कस करना, इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट और आप लोगों को इस बात से आगाह करना कि अभी भी डॉल्चे मॉल में कुछ ओल्ड रेट्स के ऊपर लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 800 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुकी हैं और बाकी तकरीबन 70% इसकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है, 30% इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है। किसी भी किस्म की डॉल्चे मॉल के अंदर बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए या इसकी अपडेट लेने के लिए आप हमारे साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।